हमारा सेकंड लेक्चर है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म के ऊपर। तो आइए हम अपना लेक्चर आज का शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन, यानी कि ऑर्गेनिज्म क्या है। एक जीव आमतौर पर एक जीवित प्रजाति को संदर्भ करता है, यानी कि एक ऑर्गेनिज्म या जीव एक सजीव या जीवित प्राणी को रिफर करता है या संदर्भ करता है, यानी कि ऑर्गेनिज्म एक जीवित प्राणी है। इसके उदाहरण में क्या क्या है, जैसे कि पौधा, पशु, पक्षी, कीट और यहाँ तक कि सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव वे जीव जिन्हें हम नग्न आँखों से या अपनी आँखों से नहीं देख सकते, या जिन्हें देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप या सूक्ष्मदर्शी की ज़रूरत पड़ती है, वह भी जीव की कैटेगरी में शामिल हैं। हमारे ग्रह व पृथ्वी पर अरबों खरबों विभिन्न प्रकार के जीव रहते हैं। जैसे कि हम जानते हैं हमारे पृथ्वी पर, हमारी धरती पर विभिन्न प्रकार के जीव रहते हैं, पेड़ पौधे, मनुष्य, जानवर, सूक्ष्म जीव, अनेक प्रकार के जीव रहते हैं। वे सारे क्या हैं, ऑर्गेनिज्म है या जीव हैं। विभिन्न मापदंडों के आधार पर इन सभी जीवों को अलग अलग समूहों में वर्गीकृत किया गया है। इन सारे जीवों को अलग अलग समूहों में, अलग अलग प्रजातियों को अलग अलग ग्रुप में बांटा गया है, डिवाइड किया गया है, जिन्हें जीवों का वर्गीकरण कहा जाता है। जीवों को पहचानने के लिए उन्हें अलग अलग समूहों में वर्गीकृत किया जाता है, जिसे जीवों का वर्गीकरण कहते हैं। प्रत्येक प्रकार के जीव की प्रजाति एक दूसरे से भिन्न होते हैं। जैसे कि हम जानते हैं सारे जीव एक दूसरे से अलग होते हैं, भिन्न होते हैं, तो वही यहाँ पे बताया गया है कि प्रत्येक जीव ए प्रजाति एक दूसरे से अलग होती है। फिर हम देखते हैं टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी कि जीव कितने प्रकार के होते हैं। तो जीव विभिन्न प्रकार के होते हैं, उत्पादक, उपभोक्ता, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, अपमार्जक, परजीवी, शिकार, अपघटक। आइए देखते हैं कि ये सारे क्या क्या हैं। तो सबसे पहले देखते हैं उत्पादक या तो या प्रोड्यूसर। तो प्रोड्यूसर क्या है, प्रोड्यूसर वे जीव है जो अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं। तो वे अपना भोजन कैसे तैयार करते हैं, वे अपना भोजन सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण किसकी, सॉरी, वे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण या प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया द्वारा उत्पादन करते हैं अपने भोजन का। कौन, तो उत्पादक। तो उत्पादक क्या है, उत्पादक वे जीव हैं जो सूर्य प्रकाश या सनलाइट की उपस्थिति में अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा स्वयं बनाते हैं या स्वयं उसका उत्पादन करते हैं। सभी हरे पौधे और शैवाल जो प्रकाश संश्लेषण नामक जैविक प्रक्रिया के माध्यम से अपना भोजन संश्लेषित करते हैं, वे क्या हैं, उत्पादक। सभी हरे पेड़ पौधे, जैसा कि हम जानते हैं, अपना भोजन स्वयं उत्पादित करते हैं या स्वयं बनाते हैं सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, वे सभी क्या हैं, उत्पादक या प्रोड्यूसर्स हैं। उसके बाद फिर दूसरा है कंज्यूमर या उपभोक्ता। तो उपभोक्ता क्या है, वे जीव जो अपना भोजन उत्पादक या फिर प्राइमरी प्रोड्यूसर्स से अपना भोजन प्राप्त करते हैं या अपना भोजन ग्रहण करते हैं, या अपने भोजन के लिए जो उत्पादक पर या हरे पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, कंज्यूमर्स या उपभोक्ता कहा जाता है। वह जीव जो अपने भोजन के लिए पूरी तरह से, जैसे कि मैंने बताया, पौधों या अन्य जानवरों पर निर्भर करते हैं, वे क्या कहलाते हैं, उपभोक्ता कहलाते हैं। इसमें शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी सभी आते हैं।
क्योंकि शाकाहारी जो जीव है वे पेड़ पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जो मांसाहारी जीव है वे शाकाहारी जीव से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, और जो सर्वाहारी जीव है वे शाकाहारी जीव और मांसाहारी जीव दोनों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, या फिर पेड़ पौधे भी खाते हैं और मांस भी खाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें सर्वाहारी कहा जाता है। उसके बाद फिर हम देखते हैं हर्बीवोर या फिर शाकाहारी। तो शाकाहारी जीव कौन से जीव है? शाकाहारी जीव वे जीव है जो अपने भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं, पेड़ पौधों से सब्जियों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, वे क्या है, वे शाकाहारी हैं। तो शाकाहारी जीव कौन कौन से? हाथी, हिरण, जिराफ, बंदर, गैंडा, सारे क्या है, शाकाहारी जीव के उदाहरण हैं। उसके बाद देखेंगे हम कार्निवोर या फिर मांसाहारी। तो मांसाहारी जीव क्या है? कार्निवोर या फिर मांसाहारी जीव वे जीव है जो अपना भोजन शाकाहारी जीवों से प्राप्त करते हैं, या फिर शाकाहारी जीवों को खाकर वे अपना जीवन निर्वहन करते हैं, या फिर अपना भोजन प्राप्त करते हैं, या फिर अपना पेट भरते हैं, वे क्या है, मांसाहारी जीव। ऐसे जीव जो दूसरे जीवों का मांस खाते हैं वे मांसाहारी जीव है। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, मांसाहारी, मांस को अपने आहार के रूप में प्राप्त करने वाले जीव मांसाहारी जीव हैं। ये जानवर दूसरे जानवर का शिकार करते हैं और मार कर ही भोजन करते हैं। इनमें क्या, बाघ, शेर, चीता, तेंदुआ, सारे क्या है, मांसाहारी जीव के उदाहरण। इसके बाद हम देखेंगे सर्वाहारी। तो सर्वाहारी जीव क्या है? सर्वाहारी जीव वे जीव है जो मांसाहारी भी होते हैं और शाकाहारी भी होते हैं। यानी कि ये जीव क्या, सब्जियां भी खाते हैं और मांस भी खाते हैं। वे जीव जो अपने भोजन के रूप में मांस और सब्जी दोनों को ग्रहण करे वे क्या जीव है, वे जीव सर्वाहारी जीव है। जैसे कि मनुष्य, जैसे हम, यानी कि हम मांसाहारी भी हैं और शाकाहारी भी हैं, तो क्या है, वे सर्वाहारी। इसमें और उदाहरण है, भालू, रकून, कौवे, सारे क्या, सर्वाहारी जीव के उदाहरण हैं। फिर आते हैं परजीवी। तो परजीवी जीव क्या है? परजीवी, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, पर और जीवी यानी कि दूसरे जीव पर अपना जीवन यापन करने वाले, पर यानी कि दूसरे और जीवी यानी कि दूसरे के ऊपर जीवन अपना यापन करने वाले जीव परजीवी हैं। वे जीव जो दूसरे जीव के अंदर या बाहर रहकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं वे जीव परजीवी हैं। ये जीव किसी जीव के अंदर भी रह सकते हैं, किसी जीव के आंत के अंदर, या फिर किसी जीव के बाहर। जैसे कि जू बालों में रहते हैं और उससे अपना भोजन इंसान से ही प्राप्त करते हैं या कुत्ते से प्राप्त करते हैं। जू तो कुत्तों में भी पाया जाता है, गाय में भी पाया जाता है, इंसान में भी पाया जाता है। वे दूसरों के ऊपर परजीवी हैं और उनसे अपना भोजन प्राप्त कर रहे हैं। तो वे जीव जो दूसरे जीवों से अपना भोजन प्राप्त करें, या दूसरे जीवों पर रहे, या दूसरे जीवों पर निर्भर रहे, या दूसरे जीवों के अंदर या बाहर रहकर, अंदर या बाहर रहकर अपना जीवन यापन करे या अपना भोजन प्राप्त करे, वे क्या है, परजीवी जीव है। उसके बाद शिकारी। तो नाम से ही पता चल रहा है, शिकारी यानी कि कोई जीव दूसरे जीव का शिकार करके उसे खाए, या दूसरे जीव का शिकार करके ही अपना जीवन यापन करे, उसका मांस खा के ही अपना जीवन यापन करे, तो वे जीव कि कौन सी कैटेगरी में आता है, शिकारी की कैटेगरी में आता है। सभी जंगली जानवर शिकारियों के उदाहरण हैं, जैसे कि शेर हिरण और जेब्रा को खाता है, लोमड़ी खरगोश को खाता है, सारे क्या है, शिकारी हैं। उसके बाद डीकम्पोजर्स। तो डीकम्पोजर्स क्या है? डीकम्पोजर्स वे जीव है जो दूसरे जीवों को, जो दूसरे मृत जीवों के कार्बनिक पदार्थों से या सड़े गले जीवों से, कार्बनिक पदार्थों से अपना जीवन यापन करे या अपना भोजन ग्रहण करे, वे क्या है, डीकम्पोजर्स। तो डीकम्पोजर्स वे जीव हैं जो दूसरे सड़े गले मृत पदार्थों से या कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन ग्रहण करे या अपना जीवन यापन करे, वे क्या है, डीकम्पोजर्स हैं। कवक और कुछ कीड़े डीकम्पोजर्स के उदाहरण हैं।
फिर है नेसेसिटी ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी कि क्लासिफिकेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो जीवों की समानता और विविधताओं के आधार पर कई समूह और उपसमूहों में विभाजित किया गया। जीवों को उनकी समानताओं और असमानताओं के आधार पर अलग अलग कैटेगरी में, अलग अलग प्रकारों में, अलग अलग समूहों में उन्हें विभाजित किया गया। इससे उनकी सही ढंग से पहचान की जा किए जाने लगी। वर्गीकरण के बिना किसी भी पादप या जंतु की पहचान नहीं की जा सकती है। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर जीवधारियों का वर्गीकरण किया जाता है उसे वर्गीकी विज्ञान कहा जाता है। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर जीवधारियों का वर्गीकरण किया जाता है उसे क्या कहते हैं? वर्गीकी विज्ञान। वर्गीकरण के बिना कुछ ऐसी प्रजातियां हैं जो बिल्कुल समान दिखती हैं, उन्हें पहचानना मुश्किल होता है, इसलिए उन्हें अलग अलग समूहों में वर्गीकृत किया गया ताकि उन्हें पहचाना जा सके, उनकी पहचान हो सके और हमें सुगमता हो उन्हें पहचानने में। इसलिए क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण किया गया या वर्गीकरण की आवश्यकता पड़ी। फिर है यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी कि क्लासिफिकेशन की इकाइयाँ। तो लीनियस ने वर्गीकरण के कुल 6 यूनिट्स का वर्णन किया। वे 6 यूनिट्स क्या क्या थी? संघ यानी कि फाइलम, वर्ग यानी कि क्लास, गण यानी कि ऑर्डर, कुल यानी कि फैमिली, वंश यानी कि जीनस और जाति यानी कि स्पीसीज। कैरोलस लीनियस ने ऑर्गेनिजम्स या जीव को इन 6 कैटेगरी में कैटेगराइज किया या इन 6 समूहों में वर्गीकृत किया। फिर हम देखते हैं कैरोलस लीनियस के अनुसार वर्गीकरण। तो कैरोलस लीनियस ने अपने पुस्तक जो कि क्या थी, सिस्टेमा नेचर में द्विजगत वर्गीकरण का वर्णन किया। उन्होंने ऑर्गेनिज्म को 2 जगत में वर्गीकृत किया। वे क्या क्या जगत थे? तो वे जगत थे पादप जगत और जंतु जगत। तो जैसे कि नाम से पता चल रहा है, पादप यानी कि पौधे, हरे पौधे, वे सारे किसमें आते हैं? पादप जगत में। और जंतु जगत, जंतु जगत में क्या आते हैं? जंतु आते हैं। जैसे कि कल मैंने पढ़ाया था पादप जगत, पादप कोशिका और जंतु कोशिका मैंने बताया था, वैसे ही जंतु जगत, जंतु जगत में क्या? जंतु जगत में एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीव आते हैं। जैसे कि मैंने बताया था एक कोशिकीय जीव जिनमें एक कोशिका पाई जाती है जो कि ज़्यादातर सूक्ष्म जीव होते हैं, और बहुकोशिकीय जीव यानी कि हम पेड़ पौधे जिसमें एक से अधिक कोशिका पाई जाती है, वे किसके अंदर आते हैं? जंतु जगत के अंदर उन्हें वर्गीकृत किया गया। पादप जगत, पादप जगत इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। मैंने बताया था पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है और जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति का अभाव होता है। इन्हें यहाँ पे फिनरोगेम्स और फिनरोगेम्स लिखा गया है, इन्हें क्रिप्टोगेम्स और फिनरोगेम्स में विभाजित किया जाता है। पादप जगत को किसमें किसमें विभाजित किया जाता है? तो पादप जगत को क्रिप्टोगेम्स और फिनरोगेम्स में विभाजित किया जाता है। तो फिनरोगेम्स क्या है? फिनरोगेम्स वे हैं जिनमें पुष्प एवं बीज पाए जाते हैं। वे पौधे, वे पादप जिनमें पुष्प और बीज पाए जाते हैं वे किसमें आएंगे? वे आएंगे फिनरोगेम्स में, या क्या कहलाएंगे? फिनरोगेम्स। और इसके विपरीत वे पौधे या वे पादप जिनमें पुष्प और बीज नहीं पाए जाएंगे वे क्या है? क्रिप्टोगेम्स। तो वे पादप जिनमें पुष्प और बीज पाए जाते हैं वे फिनरोगेम्स होते हैं, और जिनमें पुष्प और बीज नहीं पाए जाते हैं उन्हें क्रिप्टोगेम्स कहा जाता है। क्रिप्टोगेम्स का शरीर जड़, तना और पत्ती में विभाजित नहीं होता है। जो क्रिप्टोगेम्स हैं उनका शरीर जड़, तना और पत्तियों में उन्हें विभाजित नहीं किया जा सकता है, और जो फिनरोगेम्स हैं उनका शरीर हम जड़, तना, पत्ती में विभाजित कर सकते हैं। इसके जो क्रिप्टोगेम्स हैं इनमें क्या क्या आते हैं? क्रिप्टोगेम्स में आते हैं थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा,
और थैलोफाइटा में आते हैं शैवाल और कवक, यानी कि पादप जगत में जो क्रिप्टोगेम्स हैं उनके उदाहरण कौन कौन से हैं? शैवाल और कवक, क्योंकि इनके शरीर को जड़, तना और पत्ती में विभाजित नहीं किया जा सकता, और जिनका शरीर जड़, तना और पत्ती में विभाजित किया जा सकता है वे फिंड्रोगेम्स हैं। आज के लिए बस इतना ही, कल हम आगे पादप जगत के बारे में थोड़ा और देखेंगे और जंतु जगत के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।